छत पे खेती हैप्पी खेती। ये हम है, ये हमारी छत है, ये हमारी खेती हो रही है। हाय ऑल, ये हमारे क्राइसैंथेमम के कटिंग्स है जिनको मैंने आज सेकंड पॉट में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ तक आने से पहले पूरा जो प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। चलिए पहले हम सेकंड पिंचिंग पे आते हैं। क्राइसैंथेमम के कटिंग्स को कैसे फर्स्ट पॉट में लगाया था, कैसे उसकी केयर की थी, वो पूरा मेरे चैनल पे मैंने वीडियो बना के शेयर किया है। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक कटिंग नहीं लगाई है तो आप अभी भी लगा सकते हैं, बहुत टाइम है आपके पास। आप पूरा स्टार्टिंग से जो वीडियो है देखिए कटिंग का, फर्स्ट पॉटिंग का। आज हम लोग करेंगे सेकेंड पॉटिंग, बट सेकेंड पॉटिंग के पहले हम आपसे बात करते हैं सेकेंड पिंचिंग की। फर्स्ट पिंचिंग तो हमने फर्स्ट पॉट में कर दी थी, बट अभी सेकेंड पिंचिंग किसी किसी में करेंगे। कैसे पिंचिंग करना है वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था, जब चार पांच पत्तियां डाल में हो जाए, ब्रांचेस हो जाए, चार पांच पत्तियां उसमें हो जाए, तब आप उसकी जो टिप है उसको पिंच करके निकाल दें। जितना ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये बुशी होगा, बट हर वक्त पिंचिंग नहीं करते रहना है, उसको ग्रो होने दीजिए। जब वो लगे कि थोड़ी सी लंबी हो गई है डाल, और हर वैरायटी का जो होता है वो अलग तरह का होता है, जैसे इस प्लांट की डाल थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है, तो इसका मुझे पता है क्योंकि मैं हमेशा से इसको ग्रो कर रही हूँ कटिंग से। तो आप अपने प्लांट का जो नेचर है वो खुद ही समझ जाते हैं किसका कितना ग्रोथ है, कौन कितना लंबा होता है। बट अप्रॉक्स हम लोग तीन चार पत्तियां जब हो जाती है तो उसकी पिंचिंग करते हैं। पहले आपने देखा था ये सारे पॉट्स पानी की टंकी के नीचे शेड में रखा हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो इसका रूट सिस्टम था वो उतना डेवलप नहीं हुआ था, और बारिश के पानी में उसमें जल्दी ख़राब होने का भी डर था। तो फिर मैंने इसको अब पूरा इसको शेड में से निकाल के नॉर्मल जो टेरेस है उस पर ही रख दिया है। जो शेड में प्लांट्स रखे थे उनको जब मैंने निकाल कर धूप में रखा, उसके बाद अभी 10 दिन हो गए हैं उसी पॉट में। आप देखें प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गई है, सिर्फ 10 दिन में ही बारिश हवा धूप लगकर प्लांट्स कितना खिल गए हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा बड़ा ये हो गया है प्लांट्स, देखिए। तो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स को हवा पानी धूप लगना, लेकिन अगर आपने नई कटिंग तैयार की है तो आप बारिश में मत रखें, क्योंकि कटिंग सेंसिटिव होती है, रूट सिस्टम डेवलप नहीं होता है। लेकिन इन प्लांट्स का अब रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप हो गया है, तो ये थोड़ा सा जो बारिश वगैरह है उसको बेयर कर सकते हैं। तो मैं इनको अब टेरेस पे ही नॉर्मली जो है वहीं रहने दूंगी इनको, और अब हम इनको सेकेंड पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट पॉट आप देख रहे हैं ये कोई भी सब एक साइज़ के नहीं हैं, जैसे जो अवेलेबल था उसमें ही मैंने लगा दिया था। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, आप मेरे टेरेस पे हमेशा ही देखोगे इतनी मिट्टी सूखते हुए, क्योंकि जब भी कोई पॉट खाली करो या ट्रांसफ़र करो तो जो मिट्टी होती है उनको ऐसे ही मैं धूप में छोड़ देती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये गोबर की खाद है, ये पूरी अच्छे से डिकम्पोज्ड है, बस बारिश में थोड़ी गीली हो गई है। और इसमें यूज़ करेंगे हम लोग ये बालू, जिसको बोलते हैं सैंड। होपफुली जो फंगल प्रॉब्लम होती है यूजुअली प्लांट्स में, इनमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये बहुत स्टेरलाइज्ड है, रेगुलर इसमें पानी पड़ रहा है बारिश का, फिर धूप लग रही है, फिर हवा लग रहा है। तो ये जो मिट्टी है ये काफ़ी स्टेरलाइज्ड है, काफ़ी अच्छी है यूज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग मिस आउट करते हैं। मिट्टी को आप इस तरह से खुली हवा में टेरेस पे छोड़ दें और उसी में से आप लेते रहें, फिर उसी में आप एक्स्ट्रा मिट्टी डालते रहें, तो इस तरह से जो प्लांट है जो मिट्टी है वो बहुत पोषक हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, और फंगल प्रॉब्लम वगैरह भी ज़्यादा उसमें नहीं आती है। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, मेरा तो यही एक सबसे बड़ा मंत्र है कि मिट्टी में फंगल प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आती है इसकी वजह से। जब मिट्टी बहुत गीली हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, तो उसमें फंगल प्रॉब्लम आती है। लीव्स अगर आपके सॉइल को टच होती है तब फंगल प्रॉब्लम आती है, और बारिश में तो खैर थोड़ी ज़्यादा ही आती है। लेकिन आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ले, जैसा मैंने आपको बताया वैसे करें तो आप काफ़ी हद तक उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसमें सैंड इसीलिए डालते हैं ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे, थोड़ी लूज़ रहे मिट्टी एकदम, क्योंकि जब ये बहुत पुशी हो जाता है प्लांट तब इसकी मिट्टी को आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, इसकी गुड़ाई अच्छे से नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए ज़रूरी है इसमें सैंड भी ऐड करना। इसका जो शिफ्टिंग है फर्स्ट पॉट से सेकंड में या सेकंड से थर्ड में, बहुत जेंटली करना होता है,
इतने आराम से करिए कि इसका जो रूट्स है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अभी जो है आप देख रहे होंगे वॉल्स में थोड़ी रूट्स आ गई हैं, तो इसका मतलब रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो उसको हम डिस्टर्ब अभी नहीं कर सकते, अभी ग्रोइंग पीरियड है इसका। तो बहुत जेंटली आप उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें। बात करें अगर पॉट साइज़ की, तो ऐसे कोई एग्जैक्ट नहीं होता कि 6 इंच में लगाना है, 4 इंच में लगाना है, फिर उसको 8 में डालना है, वैसे कोई एग्जैक्ट साइज़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो जो अवेलेबल होता है मैं उसी में शिफ्ट करती हूँ। तो अगर आपके पास पहले वाला पॉट 4 इंची में है, तो दूसरा आप 6 इंची, 8 इंची, मतलब पहले वाले से थोड़ा बड़ा लेना है आपको। तो पहले मेरे कुछ 4 इंचेस में थे, कुछ 6 इंचेस में, और कुछ और भी छोटे में थे, 2 इंचेस में भी थे, तो उनसे कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा साइज़ का मैंने सेकेंड पॉटिंग के लिए पॉट चूज़ किया है। पॉट में लगाने के बाद ये ध्यान रखें कि जो साइड्स में जगह है उसमें कहीं भी एयर पॉकेट्स क्रिएट ना हो, तो मिट्टी जब आप उसमें भरेंगे तो बहुत अच्छे से उसमें मिट्टी डालें। सेकेंड पिंचिंग के लिए कोई टाइम टेबल या रूटीन नहीं होता कि 2 दिन में 3 दिन में आपको पिंचिंग करना है। पिंचिंग डिपेंड करता है वैरायटी पे, उसकी ग्रोथ पे। तो आप एक ऑब्जर्वेशन रखिए अपने प्लांट पे, जब भी आप घूम रहे हैं प्लांट के आसपास, तो एक नज़र रखिए कि कहाँ पर कौन सी ग्रोथ है, तो आप उसको पिंच करके निकाल दें। ऐसा नहीं होता है कि हर प्लांट की पिंचिंग आपको एक साथ करनी है, कोई डाल जल्दी बढ़ जाती है, कोई वैरायटी धीरे धीरे बढ़ती है, तो आपको थोड़ा सा एक आई रखना होता है प्लांट के ऊपर। अभी मैंने पॉटिंग के टाइम पे जैसे देखा कि 2 ब्रांचेस थी वो सेकेंड पिंचिंग के लिए एलिजिबल थी, तो मैंने उनको सेकेंड पिंचिंग कर दिया। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा एक दो बार आप इनको लगाएंगे, फोकस रखेंगे, तो बहुत इजीली ये वाला जो टास्क है ये आप कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें पिंचिंग। पिंचिंग जितने अच्छे से आप सही से करेंगे, उतना ही प्लांट आपका बुशी बनेगा, उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आएगी। फाइनली 3 घंटों के बाद कुछ कटिंग्स को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है, जिनको मुझे लगा था अभी ट्रांसप्लांट करना सही रहेगा। अभी भी कुछ कटिंग्स बाकी है जिनको मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि उनको मैं और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ट्रांसफ़र करूँगी। ये जो आप देख रहे हैं कटिंग्स, ये 2 इंच के पॉट में थी, इनको मैंने 4 इंच में शिफ्ट किया है, और जो इन 4 इंच के पॉट में थी उनको मैंने 6 इंचेस 5 इंचेस के पॉट में शिफ्ट किया है। तो कहने का मतलब ये है, जो जिस पॉट में था उससे 1-2 साइज़ बड़ा पॉट मैंने लिया है, कोई ऐसे फिक्स साइज़ नहीं था मेरे पास, बट जो जिसमें था उससे बड़े में उसको लगा दिया। इनको शिफ्ट बाद में भी कर सकती थी और 10-15 दिन बाद, बट मैंने सोचा शिफ्टिंग करने से एक तो प्लांट को स्पेस भी मिलेगी रूट्स को ग्रो करने के लिए, और जो फर्टिलाइज़र हम सॉइल के साथ देते हैं तो वो फर्टिलाइज़र प्लांट को बहुत जल्दी मिलता है और बहुत अच्छे से प्लांट उसको डाइजेस्ट करता है, तो इसलिए मैंने इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। अभी जो आप देख रहे हैं मैं स्टिक्स लगा रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। प्लांट जब ग्रो होता है तो वो पूरा नीचे की तरफ झुक जाता है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब दिखता है, और एक बार जो प्लांट झुक जाता है बेढंगा सा हो जाता है, उसके बाद आप कितने भी कोशिश करें उसकी वो ग्रेविटी नहीं आती जो एक नेचुरली स्ट्रेटेन्ड प्लांट की होती है। और जैसे जैसे ये बड़ा होता है बहुत जल्दी बुशी होता है, और फ्लावरिंग के टाइम पे तो ये पूरा झुक जाता है, तो इसलिए स्टेकिंग करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्राइसैंथेमम में। इस तरह के बांस की जो फट्टी आती है 100-200 रुपये में तो बहुत सारी आ जाती है, क्योंकि ये बहुत छोटे हाइट की है और बहुत ही पतली है, तो इस तरह की व्यवस्था आप करवा के रखें ज़रूर से अगर आप क्राइसैंथेमम के कटिंग्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं। बात करेंगे फर्टिलाइज़र की, तो अभी हमने इसको काउडंग दे दिया है सॉयल मिक्स में, तो 1 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत सारे प्लांट्स अभी रह गए हैं, कुछ को ट्रांसफ़र करना था लेकिन आज ऑलरेडी मुझे 3 घंटा लग गया उन प्लांट्स को लगाने में, इसको भी मैं करूँगी शिफ्ट कल। लेकिन बाकी जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही छोटे हैं, अभी ये ग्रो नहीं किए हैं ज़्यादा, कुछ वैरायटी की भी प्रॉब्लम होती है, कुछ नेचर हो जाता है, हर चीज़ एक जैसी ग्रो नहीं होती, तो इनको मैं और 10-15 दिन के बाद शिफ्ट करूँगी। आप मेरे लास्ट ईयर दिसंबर से चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे, मैंने एवरी थिंग आपके साथ शेयर किया है क्राइसैंथेमम के बारे में, जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है, कैसे लास्ट ईयर ब्लूम हुआ था, कैसे मैंने उनको कट करके मदर प्लांट को सेव किया था, कैसे मदर प्लांट की केयर की थी, फिर कैसे उसमें से कटिंग लिया था, तो पूरा अपडेट के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। हैप्पी खेती, बाय।